भागवत रूपी नौका में बैठकर सद्गुरु उसे चलाते हैं तो सारी शिष्य मंडली सारे श्रोता भवसागर से पार हो जाते हैं। उसी नाव में राजा परीक्षित बैठने के लिए जा रहे महाराज। बड़ा कठिन है भैया। दुर्लभम यथा मूलस्य वेदम रूपम च दर्शिताः। सद्गुरु भगवान सूत जी कथा मंडप में विराजमान है, नमी शरण के क्षेत्र में गंगा जी के तट पर। श्रीमद् भागवत की कथा को ऋषि मुनियों ने श्रवण किया। श्रीमद् की भागवत कथा नारद जी ने भी श्रवण किया और नारद जी ने मैत्री ऋषि को श्रवण भी कराया। नारद जी ने सनक सनातन सनक आदि ऋषियों के चरणों में बैठकर कथा का श्रवण किया। नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं, सनक आदि सुना रहे हैं। मैत्री ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं, नारद जी सुना रहे हैं। पार्वती कथा श्रवण कर रही हैं, शिव जी सुना रहे हैं। और 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं, सूत जी सुना रहे हैं। और आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर मेरी वाणी कथा श्रवण करा रही है, ये शरीर आया हुआ। जो पहले ऋषियों ने सुना वो सुना देते हैं, फिर नारद जी ने जो सुनाया वो भी सुना देंगे, पार्वती ने जो सुना वो भी सुना देंगे, सनक आदि ऋषि जो सुनाते हैं वो भी सुना देंगे। सबसे पहले भागवत की महिमा गाई गई है। भागवत में क्या भागवत की महिमा है? अनश्रितम भागवतम पुण्यम, कि भागवत का पुण्य अनश्रित है, यानी कि कभी न मिटने वाला पुण्य है। उसके लिए मर जाने के बाद भी जन्म लेना है तब पुण्य मिलेगा, फिर मरना है फिर जन्म लेना है फिर पुण्य मिलेगा, फिर मरना है फिर पुण्य मिलेगा, फिर मरना है फिर जन्म लेना है फिर पुण्य मिलेगा। जितनी बार भी मर के जन्म लेना उतनी बार भागवत का पुण्य हमें बचाता है और हमें सुख देता है महाराज। अब तो ये भागवत जब पूरी हो जाएगी तब अगले साल 12 महीने में समझ में आएगा कि भागवत करने के बाद में भागवत में धन खर्च करने वाले को क्या लाभ होता है, क्या सुख मिलता है, कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, कैसे धन संपदा व्यापार भी उसके आगे बढ़ जाते हैं, पवित्रता आ जाती है, धन पवित्र हो जाते हैं। और याद रखना, पानी पीने का जो भारी होता है वो कम पिया जाता है और जो पानी हल्का होता है पवित्र होता है वो ज़्यादा पिया जाता है। तो धन अशुद्ध हो जाएगा तो फिर आप भोग नहीं पाएंगे उसे। चोरी का धन जो है, चोरी का धन मोरी में चला जाएगा पर आप उसका सुख ले नहीं पाएंगे, आप उसे छुपाते छुपाते ही आपका जीवन और वो धन दोनों खत्म हो जाएंगे। आपके भोगने का टाइम आएगा नहीं, क्योंकि चोरी का धन भोग में नहीं विनाश के काम आता है, क्लेश के काम आता है। घर में क्लेश, जीवन में क्लेश, समाज में क्लेश, और सब जगह से अपमानित हो जाते हैं और समाज छूट जाता है, हम अकेले पड़ जाते हैं, ऐसा होता है चोरी के धन का। इसीलिए जो आदमी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, व्यापार करता है, उससे जो कमाई होती है उसमें भी कुछ धन चोरी का ही माना गया है, वह धन पवित्र कैसे होगा? तो कहा भागवतम श्रुति योगम मूलस्य यज्ञम भवेत, यज्ञ आदि भागवत आदि दान पुण्य करने से वो धन पवित्र हो जाता है। तो फिर शेष धन पवित्र होकर के हमें जीवन निरोगी देता है, जीवन काया शुद्ध देता है, घर में सुख शांति देता है, बच्चों को बुद्धि देता है, दो समय भरपेट भोजन प्रदान करता है, अच्छी नींद देता है और हमें निरोगी बना करके दवा औषधियों से मुक्त कर देता है और हमारे अंदर से डर पैदा होता हुआ निकल जाता है, हम निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं और हमारे चित्त की प्रवृत्तियां भगवान में लग जाती हैं और हम संत के प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं। और चोरी का धन आता है तो सबसे पहले हम संत से ही नफरत करते हैं, साधु से नफरत करने लगते हैं और हमारे चित्त में गालियाँ पैदा हो जाती हैं संतों के प्रति, क्योंकि हमारा दोष नहीं, ये उस धन का दोष है जो हमारे घर में आया, प्रवेश किया है।
बहुत सारे लोग ऐसे ही जो बिना मतलब ही संत साधु को देखेंगे और मुंह से बड़बड़ करने लगेंगे, गालियां देने लगेंगे, देखने मात्र से ही। परिचय भी नहीं है, जान नहीं है, पहचान नहीं है, लेना भी नहीं है, देना नहीं है, पर साधु आंखों के सामने से आया तो उनके मन में घृणा आई। क्यों आई? दोष उनका नहीं है, दोष है जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। हाँ, अपवित्र अन्न का दोष है, अपवित्र धन का दोष है, शरीर का कोई दोष नहीं है। क्योंकि पहले वो भी साधु के चरणों को धो के चरणामृत ले चुके हैं और आज नफरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके कर्म गलत हो गए, आपके घर में गलत धन आ गया है, गलत पूंजी आने की वजह से आपके सारे प्रवृत्ति, आपका स्वभाव तक चेंज हो गया है। आपका स्वभाव कितना प्रियतम था, कितना लाडला था, कितनी सेवा थी, पर जैसे ही तुमने छल और कपट का जीवन धारण किया तुम्हारी प्रवृत्ति चेंज हो गई, तुम्हारा धन चेंज हो गया, तुम्हारा स्वरूप चेंज हो गया। ये हमारा सबका होता रहता है। भगवान के साथ गद्दारी कर लो आपको भगवान अच्छा नहीं लगेगा, गुरु के साथ गद्दारी कर लो गुरु अच्छा नहीं लगेगा, माता पिता के साथ में गद्दारी कर लो वो अच्छे नहीं लगेंगे। फिर हम, आप जानते ही घरों में क्या चलता है, सब लोग कई कितने सारे बेटा बहू ऐसे हैं वो ये तक कह देते हैं कि हम मर जाएंगे पर सास ससुर को घर में लेंगे नहीं, या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे, यहाँ तक भी हम बोल देते हैं। कारण क्या है? जब कुछ दोष आ जाए बुद्धि में तब माता पिता गुरु के प्रति हमारी भावना खत्म हो जाती है, और भैया उल्टा हो जाता है, हम उनका विनाश करना, गुरु के बिना, गुरु का अपमान, गुरु की बदनामी, गुरु का क्या क्या षड्यंत्र। क्यों? कलयुग यही कहता है जब गलत धन आएगा तो कलयुग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, धीरे धीरे पाप की ओर ले जाएगा, पाप की ओर ले जाएगा, एक पाप से अनेक पाप करवाने की ओर कलयुग ले जाता है। जब गढ़ा भर जाता है तो फिर गढ़ा भरते ही फूट जाता है, फिर कोई रोने वाले भी पैदा होते नहीं है। आप सब जानते हैं इन बातों को। तो कंस के कुछ पाप शेष रह गए गढ़ा भरने में, तो स्वयं सदगुरु नारायण ने ही नारद जी को भेजा, जाओ संत बन के कंस की बुद्धि को भ्रम में डाल दो, लालच में डाल दो, वो थोड़े और पाप कर दे जिससे उसका घड़ा भर जावे और उसका खेल तमाम हो जावे। माला तो आप सब लोग भी ये समझते हुए कथा का श्रवण करते जाइए। असन्नम योग दर्शिताम यथा मूले च भागवतम। 88,000 ऋषि हिमालय की कंदराओं से उठकर संत श्री सूत जी के चरणार बिंदों में प्रणाम करते हुए गुरुदेवता के पास पहुंचे। कथा का महत्तम चल रहा है। सारे ऋषि मुनि रोज ध्यान भजन करते थे। इतना ध्यान इतना भजन करने के बाद में क्या जरूरत है उन्हें गुरु की, महात्मा की और कथा प्रवचन की? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, जब तक गुरु और गुरु का प्रवचन उपदेश हमारे मस्तिष्क में नहीं जाता है तब तक हमारे बुद्धि के दोष निकलते नहीं और भक्ति प्रसन्न होती नहीं है हमारा। अच्छा सुनिए, ये जो दुर्जन लोग होते हैं, जो छलिया कपटी लोग होते हैं ना, वो भी खूब पूजा पाठ करते हैं, सुबह सुबह बैठते हैं घंटों तक और पूरे ब्राह्मण बन के बैठते हैं, अचला डालेंगे, चोला डालेंगे, धोती लगाएंगे, पूरे पंडित जी बन करके पूजा करते हैं और दिन भर झूठ बोलते, दिन भर ठगाई करते, छल करते, कपट करते, ये सारा पाखंड समाज में फैला हुआ है महाराज। अच्छा उनको क्या लगता है? उनको ये लगता है ये गुरु छूट गया तो क्या हुआ, फायदा हो गया ना, दूसरा गुरु कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, चौथा गुरु, पांच, हजारों गुरु कर लेंगे पर कहीं टिकने वाले नहीं है। अच्छा कुत्ता कितना भी पालतू हो जाए पर वो बिना चाटे रहता नहीं है। आप सब जानते हैं कुत्ता कुत्ता ही होता है, पालतू हो जाए तो कुत्ता क्या है। आप खिलाएंगे पिलाएंगे प्यार करेंगे तो थोड़ा बहुत भौंकेगा रात में, डराएगा लोगों को कि हम इनके चेला हैं, हम इनके पालतू हैं, हम इनके पालतू हैं। पर याद रख लेना, ज्यादा पालतू हो जाए तो तुम्हारे गाल को बिना चाटे वो रह सकता नहीं है। ज्यादा पालतू हो जाए तो खतरे में मालिक आ जाता है, गुरुजी खतरे में आ जाते हैं, ज्यादा पालतू बना लिया तो है? इतना पालतू बना लिया कि अपनी जिंदगी सौंप दी उनके हाथ में, इतना पालतू, तो पालतू बनाते से खतरे में पड़ गई जिंदगी। पर ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है महाराज,
कुत्ते की उम्र कितनी है? 10 वर्ष। कम उम्र है क्यों? क्योंकि वो चांडाल प्रजाति में है, चाहे वो जितना भी वफादार रहे। चांडाल जाति में अर्थात पांडाल में जो बैठे ये मनुष्य समाज है, इसमें भी कुछ लोग चांडाल जाति के ही होते हैं। शरीर तो मनुष्य का मिल जाता है पर आत्मा कुत्ते की ही निकली होती है। हमारा शरीर तो मनुष्य का है पर पिछले जन्म में कुत्ते होंगे, इसलिए वो आत्मा वहां से निकल के इस पिंजड़े में आ गई है। इतना ही फर्क है। आप सब जानते हैं अगर कोई भाड़े पर रहता है तो पहला जो घर था उसमें पीला कलर लगा हुआ था कमरे में, अब कमरा चेंज किया तो ये नीले कलर वाला कमरा है, और कमरा चेंज किया तो नल पीला हरा सफेद जैसे भी है, और पहले दक्षिण की ओर मुख था पश्चिम की ओर मुख है घर का। पर घर बदलने से जैसे व्यक्ति नहीं बदलता है वैसे ही शरीर बदल से संस्कार भी बदलते नहीं है। संस्कार वही रहते हैं।